तो अगर आप काफी दिनों से एनिमे देख रहे हो या आपने अभी अभी एनिमे देखना शुरू करा है तो आपने ये चीज कभी ना कभी नोटिस करी होगी कि जितने लोग वन पीस और नरूटो की बात करते हैं वहीं पर ही अपना ब्लीच सबसे ज्यादा पीछे रह जाता है। लाइक बिग थ्री के अंदर होने के बावजूद भी ज्यादातर लोग ब्लीच को छोड़ देते हैं, लाइक वो उसको कभी देखने का ट्राई भी नहीं करते हैं। और अगर कोई बंदा ब्लीच को देखने की शुरुआत करता है तो कभी ना कभी एक बार तो ब्लीच को ड्रॉप कर ही देगा, क्योंकि मैंने भी जब ब्लीच को स्टार्ट करा था तो मैंने कुछ टाइम के लिए ब्लीच को ड्रॉप कर दिया था। और देखा जाए तो बिग थ्री के अंदर सबसे ज्यादा ड्रॉप किया जाने वाला एनिमे अपना ब्लीच ही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा वाला रीजन उसके फिलर्स ही है, लेकिन अगर आप फिलर्स को स्किप भी कर देते हो तो आगे चलकर आपको ऐसा लगता है कि भाई स्टोरी थोड़ी बहुत कनेक्ट नहीं हो रही है। लाइक फिलर्स को स्किप करने के बाद में आपको एनिमे के स्टोरी के अंदर थोड़े बहुत प्लॉट होल्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वैसे तो वन पीस की भी पेसिंग काफी ज्यादा स्लो है और हमको नरूटो के अंदर भी फिलर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बिग थ्री के अंदर ब्लीच ही ऐसा एनिमे क्यों है जो कि काफी ज्यादा अंडररेटेड है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपने वन पीस का। जब से वन पीस के मंगा के अंदर गियर 5 को इंट्रोड्यूस कराया गया था तभी से वन पीस की जो पॉपुलैरिटी है वो खास करके इंडिया के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। माना कि उसके पहले भी वन पीस के काफी ज्यादा फैंस थे, लेकिन भाई वन पीस इतना ज्यादा पॉपुलर तो कभी नहीं था। माना कि इसके पीछे एनिमे की पॉपुलैरिटी है जो कि पिछले कुछ सालों से इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर पहले कोई बंदा एनिमे को देखना स्टार्ट करना चाहता था तो सबसे पहले उसको लोग एनिमे की कोई मूवी सजेस्ट करते थे या उसको डेथ नोट सजेस्ट करते थे, लेकिन वही पर आज उल्टा है कि ज्यादातर लोग नए बंदों को जेजेके, डेमन स्लेयर जैसे एनिमे सजेस्ट करते हैं। लाइक पहले ऐसा था कि लोगों को एनिमे की स्टोरी के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, और अभी ऐसा हो चुका है कि लोगों को बस फ्लैशी एनिमेशन और हर दूसरे एपिसोड के अंदर फाइट ही देखनी है। लाइक यहाँ पर अभी मैं टॉपिक से दूर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अभी के लोगों की जो टेस्ट है वो काफी ज्यादा गिर चुकी है। लाइक आपको काफी ज्यादा कम लोग मिलेंगे जिन लोग ने जोजो देखा है, कोड गियास देखा है, और जिन लोग ने फेरी टेल देखा है वैसे लोग तो आपको काफी ज्यादा कम ही दिखने को मिलेंगे। अगर आप ब्लीच के फैन हो और आप सोचते हो कि भाई ब्लीच इतना ज्यादा पीछे कैसे रह गया और अपना वन पीस इतना ज्यादा फेमस कैसे हो गया, तो पहले तो इन चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि जब से मुझे याद है कि वन पीस फेमस हुआ है तब से भाई वन पीस के कम्युनिटी के अंदर टॉक्सिक लोग काफी ज्यादा ऐड हो चुके हैं। और अभी फिलहाल ऐसा चल रहा है कि हर कोई बंदा बस वन पीस को मिल्क करना चाहता है। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे ऐसे क्रिएटर देखे जो कि भाई वन पीस के चार एपिसोड के ऊपर एक एक रीले बना रहे हैं। उन लोग को तो यहाँ पर अनलिमिटेड कंटेंट मिल गया है कि चार पांच पांच एपिसोड देख के वीडियो बना दो, फिर बाद में बोलेंगे कि मैंने वन पीस के 10 या 15 एपिसोड देख लिए है और मुझे अभी वन पीस इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। लेकिन आपने तो यहाँ पर पूरा एनिमे ही देख डाला है, तो आपको पता है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है। तो आपको इस चीज के बारे में फर्क भी क्या पड़ना चाहिए कि लोग आपके फेवरेट एनिमे के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो अगर वो वाला एनिमे काफी ज्यादा पॉपुलर है तो सही है, और काफी ज्यादा अंडररेटेड है तो भी सही है। अगर यहाँ पर ब्लीच अंडररेटेड है तो काफी ज्यादा सही है, लाइक यूनिक टेस्ट वाले लोग ब्लीच को देख रहे हैं। बाकी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि बस कूल दिखने के लिए और हाइप के लिए एनिमे देख रहे हैं, उनको भाई एनिमे के टेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। लाइक उनकी तो कोई भी यूनिक टेस्ट नहीं है, जो भी एनिमे पॉपुलर चल रहा होगा या ट्रेंडिंग चल रहा होगा, लाइक किसी एनिमे की उन लोग ने रील देख ली वही एनिमे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको खुश होना चाहिए कि आप कोई यूनिक टेस्ट वाला एनिमे देख रहे हो जो कि बाकी अदर लोग नहीं देख रहे हैं। और मानो न मानो ये खुशी की बात है कि ब्लीच इंडिया के अंदर पॉपुलर नहीं है, क्योंकि पहले तो बस नरूटो को हेट मिलता था, अभी जाके भाई वन पीस को भी काफी ज्यादा हेट मिलता है। और पॉपुलर होके एक टॉक्सिक फैन बेस होने से अच्छा भाई अंडररेटेड होके एक अच्छा सा फैन बेस होना अच्छी बात है। तो जब तक ब्लीच अंडररेटेड चल रहा है तब तक एंजॉय कर लो यार, जब ब्लीच इंडिया के अंदर पॉपुलर हो जाएगा तब आप ही लोग बोलोगे कि भाई इंडिया के अंदर ब्लीच अंडररेटेड ही सही था।